ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यहाँ पर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जो कहा, सदा तद्भाव भावितः, हमेशा उसी के रंग में रंगे रहना। जैसे आग जल रही हो और उसमें आप लकड़ी डालो, तो शुरुआत में लकड़ी में अग्नि नहीं है, लेकिन उस अग्नि की उसमें पड़ा रहेगा, वो लकड़ी पड़ी रहेगी, तो धीरे 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 वो लकड़ी भी आग पकड़ती है और उस लकड़ी में अग्नि के गुण आने लगते हैं, अग्नि की दाहकता, अग्नि का प्रकाश, वो सब उसमें आने लगता है। और वो आया, फिर उस लकड़ी को आप उठाओ तो वो आग के साथ ही उठेगी, एक बार उसने पकड़ ली फिर वो छोड़ेगी नहीं। इवन लोहा भी गर्म में रखो तो एक बार वो आग में लाल लाल, मैंने देखे हैं ऐसे, वो फाउंड्री में जब पदरामणी होती है ना, पता नहीं मुझे वो देखने में बड़ा आनंद आता, बड़ी बड़ी फाउंड्रीज में जब हमारे कलकत्ते के सज्जन बाबू उनकी फाउंड्री में जब मैं गया था, सज्जन जी बंसल, इतने बड़े बड़े गडर लोहे के इतने मोटे, और उसको गर्म करने के लिए आग भी कितनी भट्टी में होती होगी, वो आग में जाता है तो एकदम कैसा लगता है कि लोखंड एकदम, उसके ऊपर आदमी भी बैठा हुआ है और वो भट्टी में जाता है, इतनी आग, 2-3 मिनट में तो वो लाल 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 होके बाहर आता है और उसके ऊपर फिर प्रहार जो होता है वो पतला होकर के लंबा होता है, इतने लोहे को लाल लाल करने वाला, और लाल लाल लोहा जो मैं अभी देखता हूं मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आता है, लाल तो लोहा पूरा उस अग्नि को पकड़ लेता है। अब उस भट्टी में से लोहे को बाहर भी निकालो तो वो आग को लेकर बाहर निकलता है, छोड़ता नहीं। ठीक इसी तरह जीव, यदि जीवात्मा, यदि जीवन भर परमात्मा में रहे तो अंतिम समय में जब उसको बाहर भी निकालो तो वो परमात्मा को लेकर ही बाहर निकलता है, वो ऐसे अकेले नहीं फिर, क्योंकि सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव में रहा।